हाय गाइस, आज आप सभी के इश्क लेन यूज चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके गाइड करूंगा। ठीक है गाइस, चलते हैं गाइस स्क्रीन पर। चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर MP कॉन लिमिटेड इनवाइट्स बहुत सारी पोस्ट के लिए इनवाइट्स कर रही है। जैसे बरकरिया प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर। एजुकेशनल यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल ETC 60% आपके मिनिमम होना चाहिए। और यदि आपका फुल टाइम MBA फाइनेंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस की बात करें, यदि एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ। मैक्सिमम एज है वो 45 है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये पूरी गाइडलाइंस आपको ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। यहाँ पे हम आपको सैलरी भी बताएंगे, क्या सैलरी है और भी सारी चीज़ें बताएंगे, आप पूरा वॉच। दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट थी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट है उसकी मैं बात कर लेता हूँ मैनेजर की। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए है और इसमें एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो 40 है ना मैक्सिमम एज। और टेक्निकल IT एंड डिजिटल कंसल्टेंसी, इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सेम है, लेकिन इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 45 रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट के लिए यदि हम बात करें तो इसमें भी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फील्ड रहेगी, आपकी पोस्ट रहेगी मैनेजर की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें चाहिए आपका मास्टर MSW MBA रूरल मैनेजमेंट से हो, मास्टर डिग्री से हो, 60% मिनिमम परसेंट के साथ। और इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम इसमें जो एज है 40 है। और इसका डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम बात करें तो अकाउंट सेक्टर में आपकी पोस्ट रहेगी, मैनेजर की पोस्ट रहेगी। इसमें यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका MCOM होना चाहिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स अकाउंट से फुल टाइम, मिनिमम 60% होना चाहिए। BCOM है यदि तो विथ MBA होना चाहिए। ठीक है, और यदि इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें मैक्सिमम एज है 40। अब देखिए आपको यहाँ पे हम पोस्ट की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपका जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 94,812 अप्रॉक्स ग्रॉस। और जो मैनेजर की पोस्ट के लिए है 60,818 अप्रॉक्स ग्रॉस। ये पर मंथ है, कंपटीशन ऑफ CTC एट इनिशियल बेसिक। ग्रॉस का मतलब मैं बता देता हूँ, द ग्रॉस इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एक्सपेंसेस अलाउंस, रिमबर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये घट बढ़ सकते हैं, कुछ जनरल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके जो 10th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपका एजुकेशन है वो फुल टाइम बेसिस होना चाहिए, पार्ट टाइम बेस मान्य नहीं होगा। और जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई अच्छी अप्रूव इंस्टीट्यूट से होना चाहिए इंडिया से, जैसे AICT, UGC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर कोई भी फीस आपको नहीं देना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। 4th नंबर पर यदि बात करें, द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे वो मिनिमम प्रोबेशन ऑफ फॉर ए पीरियड 2 ईयर्स के लिए रहेंगे, कंफर्म सर्विस सक्सेसफुल कंप्लीशन। ठीक है, और MPCON आपको ट्रांसफ़र या पोस्टेड एनी वेयर इंडिया में कहीं भी कर सकती है। 5th नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ एम्प्लॉय वर्किंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल कंपटीशन एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंसीडर किए जाएंगे 26 दिसंबर 2022 तक। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, आप ज़रूर इनको रीड करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट, आप किसी एक पोस्ट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, वो आपको 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि कोई अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना है, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्लस आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, रेफरेंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय MPCON। रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना है, ले जाना है जब वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कलर फोटोग्राफ के साथ।
और ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड, जो आप यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके लिए बुलाया जाएगा। भोपाल का एड्रेस दिया हुआ है, जिसके लिए TDA आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ इनके पॉइंट्स हैं, इसकी जो लास्ट डेट बता दूं मैं आपको 23 जनवरी 2023 है, इसके पहले आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैंड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट एट द रेट mpconsultancy.org पे आपको सबमिट करना है। यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mpconsultancy.org, यहाँ से भी आप उसको जानकारी ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑल द अबव पोस्ट वुड बी वे ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, मेल आईडी पे आपको सारे इसके डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेंड करना है। 23 जनवरी के आप पहले अप्लाई करिएगा। ये आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसमें कलर पासपोर्ट फोटो लगाना, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना है और ये सारी इसमें डिटेल आपको भर के देना है। ये फॉर्म भर के देना है प्लस सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको भेजना है। ये देखिए, ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से इसमें पूरी डिटेल एक कच्ची बारीकी से जानकारी के साथ आपको भरना है और हर पेज पे आपको साइन करना है आपके। ये थी गाइस पूरी जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद।